आपका श्री शक्ति क्लासेज में स्थिर विद्युत की लेक्चर सीरीज में हम अध्ययन कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 के वो आंकिक प्रश्न, कुछ जो आंकिक प्रश्न थे वो हमने कर लिए थे, तो आज हम करेंगे जो हमारे अगले आंकिक प्रश्न है उनको। तो देखो जो आपका अगला जो आंकिक प्रश्न है वो कौन सा है, तो आपका आंकिक प्रश्न नंबर है आपका 9। ठीक है, तो आंकिक प्रश्न 9 है वो क्या है, देखो आपके पास में आपके बुक होनी चाहिए या जो भी है जहां पर भी उपलब्ध हो वहां से आप क्वेश्चन देखना है कि चित्र में आपको एक चित्र दे रखा है, वहां पर बोला गया है कि चित्र में ए व बी के मध्य तुल्य धारिता, मतलब ए और बी के मध्य हमारे को तुल्य धारिता दे दी, क्या दे दी, तुल्य धारिता, और तुल्य धारिता कितनी दी है, तुल्य धारिता दी है आपको 5 माइक्रोफेरेड, कितनी दी है 5 माइक्रोफेरेड। संधारित्र सी की धारिता याद कीजिए, मतलब और आपके पास में डायग्राम है वो किस प्रकार से है, यहाँ पर पॉइंट ए दे रखा है, यहाँ पर एक संधारित्र लगा हुआ है और यहाँ पर एक संधारित्र लगा हुआ जिसकी धारिता सी है, इसकी धारिता 2 माइक्रोफेरेड है, और फिर से यहाँ पर एक संधारित्र लगा है जिसकी धारिता है 4 माइक्रोफेरेड, और फिर नीचे फिर यहाँ पर इस संधारित्र की धारिता है यहाँ पर देखिए 4 माइक्रोफेरेड, कितनी देखिए 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, आगे अब क्या तरीका है, यहाँ से इस प्रकार से आगे गया, डायग्राम है आपके बुक के अंदर होगा वहां पर, तो आपको देख लेना है ये इस प्रकार से संदर्भ यहाँ पर लगे हुए, इनमें हमारे को क्या ज्ञात करना है, ए और बी के मध्य क्या ज्ञात करना है, तुल्य धारिता हमारे को दे रखी है, तो हमारे को ज्ञात क्या करना है, इससे जो हमारे को सी जिसकी दे रखी है धारिता वो हमारे को क्या करनी है, ज्ञात करनी। ठीक है, ये हो गया आपका डायग्राम। अब यहाँ पर देखो आपको चाहिए क्या, आपको बोला गया है कि इस पूरे निकाय की पूरा जो ये बना सिस्टम, इस पूरे सिस्टम की जो तुल्य धारिता है वो कितनी है, 5 माइक्रोफेरेड है, आपको ज्ञात क्या करना है, आपको इसकी जो सी यहाँ पर दे रखा है इसके मान ज्ञात करना है, मतलब इसकी धारिता है वो कितनी होगी। तो बिल्कुल आसान है, आपको पता है कि समांतर और श्रेणी क्रम यहाँ पर करना है, तुल्य धारिता के बाद आगे मतलब हमारे को समांतर श्रेणी क्रम जो संयोजन है उसको देखना है, कहाँ पर समांतर हो रहा है कहाँ पर श्रेणी क्रम हो रहा है। तो आप क्या करो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि पहले एक तार आ रहा था, फिर अब कितने तार हो गए, 2 तार हो गए ना यहाँ पर, भाई पहले एक तार आ रहा था अब कितने हो गए, 2 तार, तो यहाँ पर भी वापस से 2 तार मिल गए, 1 तार बना रहे, तो जहां पर भी ऐसी कंडीशन दी गई जहां पर एक एक जो तार है वो 2, 3, 4 जितने भी बन जाए, इसका मतलब वो आपस में किसमें है, यहाँ पर जो भी जैसे भी लगे हो कहीं पर लगे हो वो आपस में किसमें है, समांतर क्रम में, किसमें समांतर क्रम में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इस पॉइंट को उठाओ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर भाई ये तार मोड़ सकते हैं कैसे भी मर्जी है मोड़ सकते हैं ना, यहाँ पर कोई फर्क थोड़ी, ये कोई तार अलग थोड़ी, ये तो तार एक ही है ना पूरा, तो इस वजह से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये और ये एक दूसरे के क्या आपके समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में हम क्या कर देते हैं सीधा ही क्या कर देते हैं इसको क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं तो धारिताओं को, तो यहाँ पर ये 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड दोनों समांतर क्रम में है, तो हम सीधा क्या कर देंगे यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे 2 माइक्रोफेरेड, तो इसको हटाकर पूरे को हटाकर हम क्या कर देंगे एक संधारित्र जोड़ेंगे, अब वो यहाँ पर जोड़ दो चाहे यहाँ पर जोड़ दो तार तो एक ही हो जाएगा ना, यहाँ पर लगा दो एक ही बात है, कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड का। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर भी देखो इस तार को देखो और इस तार को देखो, यहाँ पर भी 2 तार निकले हुए, यहाँ पर भी 2 तार निकले हुए, इसका मतलब ये किस में आपका समांतर क्रम में, तो फिर से समांतर क्रम में हम क्या कर देते हैं सीधा ही जोड़ देते हैं, सीधा जोड़ देते हैं यहाँ पर समांतर क्रम में, तो ये इसको पूरे को हटाया और यहाँ पर क्या कर दिया एक संधारित्र जोड़ दिया यहाँ पर इस प्रकार से, ये लो और जिसकी धारिता है वो कितनी हो गई 4 4 था शायद, तो कितनी हो गई इसकी 8 माइक्रोफेरेड हो गई। ठीक है, ये हो गया इतना। अब आगे देखो फिर से, अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पर एक तार ये ए और एक ये बी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये तार फिर से कितने तार में बंटा, 2 तार में बंटा ना, अब ये एक पूरा तार है इसका मतलब ये और ये किसमें है श्रेणी क्रम में, वही ये श्रेणी क्रम में है ना यहाँ पर ये पूरे तार में, तो ये किसमें श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में हमारे को किस प्रकार से लिखना पड़ता है वो 1/2 करके वैसे लिखना पड़ता है, तो पहले तो यहाँ पर इसको एक एक संधारित्र बनाओ इसका, तो इसका एक संधारित्र कैसे बनेगा श्रेणी क्रम में लिखो, इसकी धारिता निकाल लेते हैं कितनी होगी, मान लेते हैं इसकी धारिता सी है, ठीक है एग्जाम्पल के लिए सी डैश मान लेते हैं, तो सी डैश कितनी हो जाएगी 1/2 + 1/2 कितना हो गया कितना आ जाएगा लेसे, ये कितना हो गया, ये तो 1/2 + 1/2 कितना होता है एक होता है, तो मतलब 1/C' = 1 या C' = कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफेरेड, ये उल्टा करेंगे ना तो भी एक ही आएगा, तो इन सबको इन दोनों को उल्टा कर हम क्या कर सकते हैं एक ही संधारित्र लगा सकते हैं और उसकी धारिता क्या हो जाएगी हमारे पास में 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब यहाँ पर इसको भी हमें क्या करना है, ये भी देखो एक ही तार है यहाँ पर पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब ये भी किसमें श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में हमारे को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा इनको, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या करेंगे 1/2 जो आएगा वो आएगा वैसे जोड़ना पड़ेगा, तो निकालो यहाँ पर मान लेते हैं इसकी तुल्य धारिता सी डैश है,
इसी की बात कर रहा हूँ। तो सी डी एस बराबर कितना हो जाएगा आपका, सी डी एस बराबर हो जाएगा 1/C, इसकी ज्यादा सी है प्लस 1/ कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ से देखो क्या आएगा, 1/ सी डी एस बराबर जैसे कितना आ जाएगा 8C, कितना आ जाएगा 8C, यहाँ पर कितना बचेगा 8 और प्लस का यहाँ पर क्या बचेगा सी, और यहाँ से क्या आ गया आपका, आप ये तो 1/ सी डी एस का मान है, आपको क्या चाहिए सी डी एस का, कितना आ जाएगा 8C/8 प्लस सी। तो यहाँ पर आप इसकी धारिता, यहाँ पर एक संधारित्र, इसको पूरे को हटाकर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक नया संधारित्र लगा सकते हो, और जिसकी धारिता है वो कितनी होगी आपकी, जिसकी धारिता होगी आपके पास में 8C/8 प्लस सी। तो ये आ गया। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर ए और बी में ये दो ही संधारित्र बचे, ये दोनों संधारित्र किसमें आपके समांतर क्रम में है भैया, देखो दो ही संधारित्र बचे ना यहाँ पर, तो समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में हम सीधा जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर तुल्य धारिता सी किसके बराबर जाएगी, इसकी धारिता 1 प्लस इसकी धारिता क्या है 8C/8 प्लस सी। अब आपको क्या दे रखा है, जो सी मान लो, इसको सी डबल डैश मान लो, ठीक है, तुल्य धारिता इसका मान दे रखा है कितना है 5 μF दे रखा है, तो यहाँ पर देखो इसको मिटा देता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है हमारे को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर 5 बराबर 1+8C/8 प्लस सी। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 बराबर, इसको गुणा करो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 8 प्लस का सी प्लस का 8C और बटा नीचे क्या आ जाएगा आपका 8 प्लस सी आ जाएगा। या फिर ऐसा काम करो, इसको मतलब जो 8 जो सी है या एक कोई साइड भेज दो, तो क्या आ जाएगा 8C/8 प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, इसको इससे गुणा करवा दो, तो 8C बराबर क्या हो जाएगा 8 × 4 कितना होता है 32, 32 होता है ना, तो 32 और प्लस का क्या हो जाएगा 4C। अब यहाँ से इसको 4C को साइड भेज दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4C बराबर 32, सी बराबर कितना आ जाएगा 32/4 और 32/4 कितना होता है आपका, ये कितना हो जाएगा 16 और 2 मतलब कितना आ जाएगा 8, तो सी बराबर कितना आ गया 8 μF, ये आपका आंसर आ गया, बिल्कुल आसान है ना, तो यही आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो देख लेते हैं आंसर, 8 μF आ रहा है, कितना रहा है 8 μF। तो समझो आ गया हो किस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को किया है 9 अंकी प्रश्न को, और ये बोर्ड के अंदर आ चुका है, तो फिर ऐसे नहीं कि फिर नहीं आ सकता, आ सकता है, तो ध्यान में रखना आपको। चलो अब अगला जो अंकित प्रश्न 10 है उसको करते हैं, तो अंकित प्रश्न नंबर 10, तो वो क्या है देखो, चित्र दे रखे हैं आपको, दर्शाए गए संधारित्रों की धारिता ज्ञात कीजिए, आपको संधारित्र दे रखे हैं ए और बी, उनकी क्या ज्ञात करनी है आपको, धारिता ज्ञात करनी है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, प्लेट 2 के मध्य की दूरी क्या है डी है, तो आपको पहला जो ए दे रखा है वो इस प्रकार से दे रखा है, ये संधारित्र है, ठीक है भाई, दो प्लेट है तो इसका मतलब संधारित्र तो है ही यहाँ पर नहीं है क्या, है ना। अब आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से संधारित्र को अलग कर दिया, और इसकी प्लेट का क्षेत्रफल ए है, इसका भी ए, पूरा क्षेत्रफल ए, इसकी हमारे को दो संधारित्र बांट दिया, एक हो गया एप्सिलॉन R1 और एक हो गया एप्सिलॉन R2, ठीक है, ये इस प्रकार से, ये पैराबोलिक माध्यम भरा हुआ है, और एक हमारे को दे रखा है संधारित्र कुछ इस प्रकार से, ये समांतर प्लेट संधारित्र, और इसको दो भागों में बांट दिया यहाँ पर, एक इसका दे दिया हमारे को कितना दे दिया परिवर्तक एप्सिलॉन R1 और एक इसका परिवर्तक दे दिया कितना दे दिया एप्सिलॉन R2, ये पॉइंट आ गया ए और ये हो गया बी, हमारे को ज्ञात क्या करनी है, तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, तो तुल्य धारिता ज्ञात नहीं कर सकते क्या, हम कर सकते हैं आसानी से, कैसे ज्ञात करेंगे देखो यहाँ पर बताओ, जो संधारित्र होगा संधारित्र में जब आप यहाँ पर किसकी ज्ञात करोगे, इस अंदर वाले की, इसकी धारिता ज्ञात करोगे, यहाँ पर संधारित्र दो हो चुके हैं ना यहाँ पर भाई, एक ये संधारित्र एक ये संधारित्र, दो संधारित्र हो गए ना, तो बताओ इस संधारित्र की धारिता और इस संधारित्र की धारिता है वो कितनी होगी, तो यहाँ पर देखो और ये चीज देखो, पहले तो ये पता होना चाहिए कि समांतर और श्रेणी क्रम कौन सा है, तो ये जो क्रम है ना, ये वाला क्रम, ये कौन सा आपका समांतर क्रम है और ये कौन सा है श्रेणी क्रम, देखो एक संधारित्र ऐसे फिर एक ऐसे, ठीक है, इसके आधार पर देखो ए और बी पॉइंट के आधार पर, ए और बी पॉइंट के आधार पर, ए और बी पॉइंट के आधार पर यहाँ पर देखो ए की यहाँ पर ये लगे हुए, ये संधारित्र, यहाँ पर अगर आप ऐसे नहीं करोगे, इसको अलग कर दो, इनको अलग करो, इनको अलग करोगे तो आप क्या देखोगे भाई, ए और बी के सापेक्ष इनको अलग कर दो, इस वाले लाइन को, तो इस वाले को अलग करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये कुछ एक इस प्रकार से, इस प्रकार से, फिर से इनको तार से जोड़ दो, तो यहाँ पर तो ये एक संधारित्र एक तार में जुड़े, इनको मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ये और ये, और यहाँ पर ए है
और यहाँ पर बी है। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, ये श्रेणी क्रम है और ये किसमें समांतर क्रम है। ए और बी के सापेक्ष अलग करोगे तो कैसे होंगे अलग, ये ए रहा ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा एक संदर्भ तार यहाँ पर लगा हुआ, इसका आपको एक तार इससे करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर एक संदर्भ तार लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर ये जो संदर्भ तार है ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ठीक है, और ये वापस से जुड़ के क्या हो जाएंगे इस प्रकार से। तो ये क्या आपके समांतर क्रम ही नहीं है क्या, ये और ये है ना समांतर क्रम में, तो ये आपके समांतर क्रम में दोनों और ये श्रेणी क्रम में ठीक है, ये भी बात पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे आप तुल्य धारिता कैसे निकालोगे। तो अब देखो यहां पर क्या करना है आगे हमारे को, इसको लिख देता हूं इस प्रकार से था ना। अब देखो हमारे को तुल्य धारिता निकालनी है, तो पहले तो बताओ यहां पर इसकी धारिता कितनी होगी, तो मान लेते हैं इसकी धारिता एप्सिलॉन आर वाले की मतलब कितनी धारिता होगी, फिर उनको समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो ये क्या आपका एक समांतर प्लेट है संधारित्र ना, अब समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो कितनी होती है, सी बराबर होता है आपका क्या होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये होता है ना ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो और ये दूरी आपको दे रखी है कितनी दे रखी है, डी दे रखी है। तो अगर मैं इस संधारित्र की धारिता बात करूं तो इस संधारित्र की धारिता कितनी होगी, ए पूरी प्लेट का क्षेत्रफल कितना था, यहां से यहां तक पूरी प्लेट का क्षेत्रफल कितना था, ए था, लेकिन हमने क्या कर दिया इसका अर्ध क्षेत्रफल कर दिया, अर्ध क्षेत्रफल काम में लिया इस वाले में, इसको संधारित्र एक और इसको दो दे दो। तो यहां पर पहले संधारित्र में एक में एक की धारिता, एक की धारिता ठीक है, एक की धारिता याद करते हैं, और ये धारिता किसकी है, ये आपकी समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता थी पूरे की थी ठीक है। अब हमारे को ए संधारित्र की धारिता याद करनी, तो ए संधारित्र में कितनी प्लेटें काम में आ रही है, आधी आधी प्लेटें ही काम में आ रही है ना, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, आधा हो गया। इसकी दूरी क्या आधी हुई है, नहीं हुई, अभी भी कितनी है, डी है। तो यहां से आप इसकी धारिता कैसे लिखोगे, यहां पर इसकी धारिता लिखोगे आप सी डैश बराबर कितना हो जाएगा ए बाई टू, क्षेत्रफल कितना हो गया, आधा हो गया ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट और क्या आ जाएगा इसका एप्सिलॉन आर वन और पट्टा क्या आ जाएगा डी। कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ठीक है। फिर इस संधारित्र की बात करते हैं, तो ये संधारित्र कुछ इस प्रकार से, इसमें भी आधी प्लेटें काम आ रही है, मतलब इसका क्षेत्रफल आधा हो गया, लेकिन दूरी तो उतनी है ना डी है ना, यहाँ पर कुछ कम ज्यादा हुई है कि नहीं हुई ना। तो यहाँ से आप इसके लिए दूसरे के लिए क्या हो जाएगी आपकी सी डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा ए बाई टू और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर टू अपॉन क्या हो जाएगा डी। अब ये दोनों क्या आपके समांतर क्रम में, समांतर क्रम में सीधे जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा सीधे जोड़ दो, यहाँ पर सीधे जोड़ोगे तो क्या आएगा सी बराबर सी डैश प्लस का सी डबल डैश सी बराबर सी डैश कितना ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर वन बटा कितना हो जाएगा डी और प्लस का क्या हो जाएगा ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर टू बटा डी। यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, तो यहाँ पर कौन कौन कॉमन आ रहा है आपका ए आ रहा है एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, मतलब ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन नीचे क्या आ जाएगा टू डी और यहाँ पर क्या आ जाएगा एप्सिलॉन आर वन प्लस एप्सिलॉन आर टू। ये क्या आ गई आपकी तुल्य धारिता आ गई किसकी, इस वाले संधारित्र की। समझ में आया ना कैसे किया, यहाँ पर आपको पहले तो पता करना था कि यहाँ पर ये संधारित्र है आपस में किसमें है, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम है, और ये जहाँ पर हमने श्रेणी क्रम समांतर क्रम जो संधारित्र पढ़े ना कि किस प्रकार से संयोजन होता है, वहां पर भी मैंने विशेष परिस्थितियां करवाई थी, महत्वपूर्ण परिस्थितियां ठीक है, वहां पर भी आप देख लेना कुछ इस प्रकार का जो होता है ना वो आता है आपका समांतर क्रम में, और जो कुछ इस प्रकार का होता है वो किसमें आता है आपका श्रेणी क्रम में, आप वैसे देख लो। और यहाँ पर ये से भी पता ही चल जाएगा ये एक संधारित्र ये संधारित्र मतलब क्या है, अगर आप इनको अलग करोगे तो ये किसमें होंगे श्रेणी क्रम में होंगे ना, और यहाँ पर इनको ए और बी के सापेक्ष अलग करोगे ये अलग होगा ये अलग होगा, इसका मतलब ये किसमें हो जाएंगे समांतर क्रम में। अब बात करते हैं इसकी धारिता आगे हमारे पास में, अब इसकी धारिता याद करते हैं, तो इसकी धारिता के देखो कितनी आएगी, पहले इसको चेक कर लेते हैं आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो आंसर कितने आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं एप्सिलॉन नॉट अपॉन टू डी एप्सिलॉन आर वन प्लस एप्सिलॉन आर टू, सही आ रहा है आंसर। अब दूसरे वाले करते हैं ठीक है, तो दूसरे वाले में देखो यहाँ पर दूसरे वाले में इसको दे देते हैं पहला संधारित्र और इसकी ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है आपकी डी है ना भाई, पूरे संधारित्र की दूरी डी रहेगी, ये कितने इस संधारित्र कितनी हो जाएगी डी बाई टू, इसकी कितनी हो जाएगी डी बाई टू, यहाँ पर क्षेत्रफल इसका ए, तो क्या इसका क्षेत्रफल आधा होगा, नहीं होगा, ये तो भाई एक पूरा संधारित्र पूरी प्लेट काम में आ रही है ना, यहाँ पर भी ये पूरी प्लेट काम में आ रही है संधारित्र बनाने में, इसका मतलब क्षेत्रफल आधा नहीं होगा, इस बार क्या हो जाएगी दूरी आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर पहला और ये दूसरे संधारित्र, तो पहले संधारित्र की धारिता, पहले संधारित्र की धारिता कितनी आएगी, पहले संधारित्र की धारिता तो आपकी मान लेते हैं सीडीएस है, सीडीएस बराबर क्या हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट और क्या जाएगा एप्सिलॉन आर वन अपॉन नीचे क्या जाएगा डी बाई टू और टू कहां पर चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया। इसी प्रकार से सी डबल डैश बराबर कितना आ जाएगा, सी डबल डैश बराबर आ जाएगा आपका ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर टू और अपॉन क्या आ जाएगा डी बाई टू, टू फिर से ऊपर चला जाएगा, ये आ गया ठीक है। समझ आया ना कैसे किया, वहां पर
क्षेत्रफल आधा हुआ था और यहाँ पर क्या हो गया आपकी दूरी है वो आधी हो गई। यहाँ पर देखो दूरी आधी हो गई ना, पूरी डी थी ये आधा हो गया, तो इसकी डी बाई टू, इसकी डी बाई टू। क्षेत्रफल आधा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो पूरी प्लेट काम आ रही सुंदर से बनाने में, वहां पर आधी प्लेट काम आ रही थी। ठीक है, मतलब हमने बीच में सिर्फ वहां पर दो सुंदर बांट दिया था। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, ये तो आगे हमारी एक और दूसरे की जो धारिता है, अब हमारे को इसकी तुल्य धारिता याद करनी है। और ये किसमें श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या करना पड़ता है, कुछ इस प्रकार से तुल्य धारिता निकालनी पड़ेगी। तो क्या आएगा, 1 बटा c बराबर 1 अपॉन c डैश प्लस 1 अपॉन c डबल डैश। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन c बराबर 1 अपॉन c डैश, c डैश का मान कितना है ये रहा। तो यहां पर क्या करोगे, 1 अपॉन 1 की जगह क्या आ जाएगा ऊपर, ये d ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा d बटा क्या हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 प्लस, इसका मान देखो क्या आएगा, d अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 आ गया। अब यहां पर जो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, कॉमन कौन कौन आ रहा है, 1 अपॉन c बराबर d कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है। तो यहां पर क्या आ गया, 1 अपॉन एप्सिलॉन r प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन r2। और इसमें से आपका क्या कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन r, और मतलब लेसे ले लो कॉमन गया, लेसे कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2, ऊपर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन r2 प्लस एप्सिलॉन r1। अब ये तो हमारी 1 बटा c, अभी तुल्य धारिता थोड़ी है ये, तुल्य धारिता के लिए हमारे क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, c बराबर कितना आ जाएगा, 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, और क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2 बटा एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2। ये क्या आ गई आपकी, जो हमारा बेस संधारित्र है ठीक है, उसकी क्या आ गई हमारी धारिता आगे। इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये जो है वो क्वेश्चन करना है, समझ में आ गया होगा। चलो अब हम करते हैं अगला जो हमारा अंकित प्रश्न है वो, तो बात करते हैं अंकित प्रश्न नंबर 11। तो 11 देखो क्या है, देखते हैं फटाफट। तो देखो क्या है 11 नंबर के चित्र में ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता क्या करनी है, वापस से क्या करनी है, तुल्य धारिता क्या करनी है। चित्र आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर ए है और ये संधारित्र, और उसके बाद में फिर से यहाँ पर दो संधारित्र 8 माइक्रोफेरेड का, 4 माइक्रोफेरेड का, और फिर यहाँ पर कितने का है, 4 माइक्रोफेरेड का, और ये हो गया आपका 16 माइक्रोफेरेड का, ये बी ठीक है। इसके आपको क्या ज्ञात करनी है, धारिता ज्ञात करनी है। तो देखो इसकी धारिता ज्ञात करते हैं, सॉरी इसका नहीं देखा, ये कितना माइक्रोफेरेड का है, ये है आपका 12 माइक्रोफेरेड का, कितना है 12 माइक्रोफेरेड। अब देखो करते हैं इसको, ए और बी के मध्य क्या याद करना, आपको तुल्य धारिता याद करनी है। तो ये जो तुल्य धारिता याद करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल ही सिंपल होते हैं ठीक है, बिल्कुल आसान होते हैं, होते कि नहीं होते हैं। अब देखो कैसे होते हैं वो तो पता चलेगा ना, अभी है आपको समझ लाना चाहिए क्या हो गया। ये बताओ ये वाले देखते हैं सबसे पहले, जो सबसे पहले ये वाले देखो, तो ये 8 माइक्रोफेरेड, ये 4 माइक्रोफेरेड, ये किसमें है, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में। यहाँ पर ये तो श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम मतलब एक ही तार हो गया आपका ठीक है, एक तार याद रखो कि श्रेणी क्रम मतलब एक ही तार है ये ठीक है। समांतर क्रम मतलब ये तार किसमें बन गया, 2 3 4 5 6 7 में कितना बन गया ठीक है, मतलब एक एक नहीं रहेगा, दो रहेगा या दो से ज्यादा रहेगा। तो ये हो गया आपका पहले श्रेणी क्रम, पहले इसको सोल्व करोगे, नहीं तो आप कैसे सोल्व करोगे बताओ, कैसे कर नहीं सकते कि इस ये और ये कैसे याद करोगे, ये समांतर श्रेणी किसमें है, नहीं कर सकते ना। तो पहले इसको सोल्व करो, फिर ये जो सोल्व कर लोगे तो फिर ये और ये समांतर में उनको सीधा जोड़ दोगे, तो यहाँ पर एक संधारित्र, इस पूरे घटा के एक संधारित्र लगा दोगे, फिर पता चल जाएगा ये सारे किसमें, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर पहले इसको सोल्व करो, तो पहले इसको ये किसमें आपके श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में कैसे निकालते हैं तुल्य धारिता, निकाल लेते हैं 1 c बराबर 1 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर करता हूँ मैं ठीक है, आपको मैं तो सीधा कर रहा हूँ, आपको अच्छे से ये करना है ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसकी तुल्य धारिता, 1 c बराबर 1 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कितना आएगा जैसे जैसे आएगा आपका 8, कितनी बार गया 4 मतलब सॉरी एक बार प्लस कितना 2 बार, और 1 अपॉन c बराबर कितना हो जाएगा आपका 3/8 मतलब c बराबर कितना हो जाएगा 8/3 माइक्रोफेरेड। तो इसको हटाकर, इन दोनों को हटाकर हम क्या कर सकते हैं, एक नया संधारित्र लगा सकते हैं जिसकी जो धारिता वो कितनी होगी 8/3 माइक्रोफेरेड। फिर अब देखो ये किसमें आ गया आपके सीधे, किसमें आ गए समांतर क्रम में आ गए, और समांतर क्रम में हम सीधा ही जोड़ देते हैं, जोड़ दो सीधा ही, कैसा आएगा कितना आएगा, इनको जोड़ो 8/3 और प्लस का 4 कितना आ गया, लेसे कितना आएगा इसका 3, तो यहाँ पर कितना आ गया 8 प्लस
ये कितना आ गया, आठ चार चार आठ और बारह, बारह होते हैं तो कितने हो गए हैं, बारह अठारह बीस बटा तीन माइक्रोफेरेड। और ये तो समांतर क्रम में तो उल्टा करने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पर 20 बटा 3 इस पूरे को उल्टा कर हम क्या कर सकते हैं, एक नया संदर्भ तल लगा सकते हैं जिसकी धारिता है वो कितनी होती है 20 बटा 3 माइक्रोफेरेड। अब फिर से आप देख पा रहे हो ये सारे किसमें है आपके श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं वैसे करते हैं, आपको बताइए कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बटा सी बराबर एक बटा बारह प्लस एक बटा बीस बटा तीन जो होगा तीन यहाँ पर चले जाएंगे ऊपर, तीन बटा बीस और प्लस कर कितना हो जाएगा एक बटा सोलह। अब यहाँ पर आप इसके लेसे ले लेना, ठीक है, लेसे ले करोगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर है वो आ जाएगा, अभी लेसे लेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे अगला जो हमारा अंकीय प्रश्न है उसको हमें करते हैं, या अंकीय प्रश्न करने से पहले एक मैं आपको देता हूं, अगर आपको समझ में आ गया तो आपको फटाफट से देखो एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन क्या है, ये कुछ इस प्रकार से आपके पास में क्वेश्चन, ये ए है और ये बी है, ठीक है, यहां पर है आपका दो और यहां पर है दस और यहां पर है एक और यहां पर पांच, ठीक है, ये इस प्रकार से। तो आपको मतलब दो माइक्रोफेरेड है, यहां पर एक माइक्रोफेरेड है, यहां पर पांच माइक्रोफेरेड है और यहां पर टेन माइक्रोफेरेड है और ये है आपका मतलब छह माइक्रोफेरेड, ठीक है, और ए और बी को जोड़ रखा है एक बैटरी से, जिसकी बैटरी का जो विभव है वो कितना है आपका, बैटरी का विभव है 12 वोल्ट, कितना है 12 वोल्ट, ठीक है 12 वोल्ट विभव है। और आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है कि 12 वोल्ट विभव है तो ये संधारित्र द्वारा कितना आवेश ग्रहण किया जाएगा, इन संधारित्रों द्वारा कितना आवेश ग्रहण किया जाएगा वो क्या करना है आपको ज्ञात करना है, क्यों ज्ञात करना है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसको है वो क्या करना है जो सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद में जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है ना उस पर आपको इसको भेजना है क्वेश्चन को, ठीक है, सबको भेजना है। तो ये हो गया हमारा, चलो क्वेश्चन हो गया आपके लिए होमवर्क हो गया, अब करते हैं अगले जो अंकित प्रश्न है वो, तो अगला अंकित प्रश्न कौन सा होगा, देखो अंकित प्रश्न नंबर कौन सा है 12, तो देखते उसका करते हैं अंकित प्रश्न नंबर 12, तो 12 क्या है, एक विलगित गोलीय चालक को दूसरे से केंद्रीय गोलीय चालक जिसका बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है, मतलब हमारे पास में एक विलगित गोलीय चालक है, एक विलगित गोलीय चालक, ये लो विलगित गोलीय चालक, इसकी जो कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी तो वो त्रिज्या लिख लेते हैं, इसकी पहला गोला तो इसकी त्रिज्या मान लेते हैं आर वन, ठीक है, एक विलगित गोलीय चालक को दूसरे सेकेंद्रीय जिसका केंद्र क्या है एक ही सेकेंद्रीय गोलीय चालक, मतलब एक गोलीय चालक है सेकेंद्रीय जिसकी जो त्रिज्या कुछ ना कुछ होगी और उसकी मान लेते हैं आर टू है, ठीक है, जिसका बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है, ये पृथ्वी से संबंधित, ये हमारा क्या बन गया गोलीय संधारित्र नहीं बन गया, क्या बन गया ना यहाँ पर गोलीय संधारित्र जिसमें एक अंदर होता है एक बाहर होता है, ठीक है, इसको हम आवेश देते हैं फिर ये बाहर गोला रखते हैं ताकि इस पर क्या हो प्रेरण कारण आवेश है, यहाँ पर इसको प्लस आवेश होता है यहाँ पर माइनस आ जाता है और फिर यहाँ पर बाहर प्लस वाले को किसे जोड़ देते हैं पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो वो चला जाता है पृथ्वी संबंधित है से ढक देते हैं, ठीक है, ये ढक दिया इसको, इन गोलीय चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात एन बटा एन माइनस वन है, एन बटा कितना है एन माइनस वन है, सिद्ध कीजिए कि इस समायोजन से गोले जो चालक है उसकी धारिता एन गुना बढ़ जाती है, तो मतलब हमारा सिद्ध क्या करना है कि जब हमने इसको गोली विलगित गोलीय चालक को रखा तब यहाँ पर इसकी धारिता कितनी थी उसकी धारिता ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ पर हम पहले लिखते हैं कि भाई विलगित विलगित गोलीय चालक की धारिता धारिता
एक बार आप सबको भूल जाओ, ये बड़ा वाला गोला सबको भूल जाओ, आपको बस ये एक विलिखित गोला दिख रहा है जिसकी जो त्रिज्या है वो आर वन है, तो बताओ इसकी धारिता कितनी होगी। हम निकाल चुके हैं विलिखित गोले साले की धारिता कितनी होती है, सी बराबर होती है हमारे पास में 4πε0, और क्या हो जाएगी त्रिज्या आर है, तो आर वन लिख देंगे। ये क्या है विलिखित गोले साले की धारिता। हमारे को क्या बोला गया है कि जैसे ही हम क्या करेंगे, ये दूसरा सेकेंद्रीय जो गोला है वो रखेंगे, तो दूसरा सेकेंद्रीय जैसे ही गोला रखेंगे, तो गोला रखते ही जो हमारे को धारिता मिलेगी वो विलिखित गोले चालक की जो धारिता होगी उससे n गुना ज्यादा होगी। मतलब मान लेते हैं इसकी टोटल जो इसकी जो धारिता है ना, वो धारिता मान धारिता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। भाई ये एक चालक था, चालक गोला था, इसके बाहर एक और विलिखित चालक गोले रख दिया, तो मतलब क्या होगा, इसकी धारिता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। लेकिन हमारे को बोला गया है कि कितनी बढ़ेगी, एन गुना बढ़ेगी, मतलब एन सी आएगा। सी डेस बराबर क्या आएगा, एन सी आएगा, या सी डेस या कुछ मान लो सी डेस क्या आपकी तुल्य धारिता पूरे पूरे निकालेगी। और ये क्या है, हमारे को बोला कि आपको सिद्ध करना है कि जो आपकी विलिखित गोली चालक की जो धारिता है उससे एन गुना आपको धारिता प्राप्त होगी इस पूरे निकाय की। और हमारे को एक इसके लिए कंडीशन दे रखी है कि आर जो त्रिज्याओं का अनुपात है वो हमारे को दे रखा है, और त्रिज्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, अब ध्यान रखना त्रिज्याओं का अनुपात है तो जो बड़ा मतलब जो बड़ी त्रिज्या होती है ना, और बट्टा फिर क्या लिखते हैं, छोटी त्रिज्या लिखते हैं, तो बड़ी त्रिज्या कौन सी आपकी आर टू है, और फिर क्या छोटी त्रिज्या आर वन है, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। नहीं तो कुछ आर वन बटा आर टू कर देते हैं, आपको क्या करना है, जो बड़ी त्रिज्या ना जो भी बड़ी होता है उसको पहले लिखते हैं, और जो छोटी होती है उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो आर टू बटा आर वन किसके बराबर जाएगा आपका, एन बटा कितना दे रखा है, एन माइनस वन, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है एन बटा एन माइनस वन दे रखा है। अब यहाँ पर देखो करना है कि आपको, आपने विलिखित गोले चालक की धारिता निकाल ली भाई इतनी थी, अब हमारे को बोला कि जैसे ही हमने इसको दूसरे जो आर टू त्रिज्या वाले गोले को रख दिया, तो अब बताओ इस पूरे निकाय की धारिता है वो कितनी हो जाएगी, वो सी डी एस बराबर, क्योंकि अब पूरा निकाय क्या बन गया आपका, गोले संदर्भ बन चुका है, और गोले संदर्भ की जो धारिता है वो क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, कितनी होती है आपकी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आर वन आर टू अपॉन आर टू माइनस का R1, R2 माइनस कितना हो जाएगा R1 हो जाएगा, ठीक है। ये आती है नहीं, थोड़ा सा इसको सही करते हैं, तो देखो क्या होगा, चलो पता नहीं तो हम निकाल लेते हैं कैसे होगी। देखो क्या होगा, पहले गोले पर विपो कि भाई धारिता कैसे निकलेगी, क्यू बराबर क्या होता है सी वी, मतलब सी बराबर क्यू बटा वी, यहाँ से वी वी का मान चाहिए हमारे को, ठीक है। तो वी का मान चाहिए पहले गोले पर विपो है वो कितना होता है, वी वन बराबर क्या होगा के क्यू, क्योंकि पहले पर प्लस आवेश होगा ना, तो के क्यू अपॉन क्या होगा आर वन, दूसरे पर कितना होगा वी टू बराबर माइनस का के क्यू अपॉन आर टू, दूसरे गोले पर माइनस आवेश होता है ना तो माइनस का आ गया। अब यहाँ पर हमें टोटल विपो निकालना है, वी वन प्लस का हो जाएगा वी टू, तो कितना हो जाएगा v बराबर v1 plus v2 करो क्या आएगा k cube बटा r1 minus k cube बटा r2, ये minus के कारण यहाँ पर कितना आ जाएगा k cube common ले लो, अंदर क्या बच गया आपका 1 upon r1 minus 1 upon r2, और उसमें अगर हम common ले लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर r2 minus, मतलब ऐसे ले लेंगे तो r2 minus r1 बटा r1 r2, ये आ गया विभव। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए यहाँ पर q मतलब सॉरी c चाहिए, तो यहाँ पर v का मान रख दो, तो c बराबर क्या हो जाएगा q बटा, ये मान रखो v का क्या आएगा k cube, और ऊपर क्या आ जाएगा आपका R1 R2 और बट्टा R2 माइनस का R1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना आ गया, मतलब कितने आ रही धारिता आपकी, Q से Q कैंसिल हो गया, मतलब नीचे K आ रहा है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये लिख देंगे। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, मान रखते हैं इसके अंदर किसका मान रखते हैं, अब यहाँ पर मान रखेंगे हमें ये सी डेस है, हमारे को सी डेस चाहिए, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे धारिता, आर टू का मान रखो, आर टू का मान यहाँ से रख देते हैं, तो आर टू का मान रखने पर क्या आएगा, देखो सी डेस बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर टू का मान रखो आर वन इन टू, आर टू कितना हो जाएगा एन बटा एन माइनस वन, एन बटा एन माइनस वन और आर वन बटा नीचे रखो कितना आर टू, आर टू का मान रखो फिर से कितना होगा एन बटा एन माइनस वन आर वन माइनस का आर वन। अब यहाँ पर देखो सी डेस बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पर क्या क्या रहा है, देखो R1 कितना हो गया R1 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है R1 कॉमन आ रहा है, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है R1 कॉमन आ रहा है, और ऊपर क्या बच गया आपका, ऊपर बच गया n बटा n माइनस वन, और नीचे क्या बच गया आपका R1 कॉमन आ गया, बाहर लिख लेते हैं यहाँ पर क्या गया R1 स्क्वायर बटा नीचे क्या गया R1 आ गया, और यहाँ पर क्या बच गया n बटा n माइनस वन, और फिर से माइनस वन एक, तो लेसे ले लेंगे तो कितना आएगा n माइनस n माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और बटा क्या हो जाएगा n माइनस वन, कैसे है पता क्या, यहाँ पर क्या बचेगा n बटा n माइनस वन और माइनस वन, यहाँ पर आप लेसे ले लो n माइनस वन, तो यहाँ पर n बचेगा माइनस, और फिर ये बच जाएगा आपका, यहाँ पर n से n क्या हो गया कैंसिल हो गया, मतलब एक बटा n बचा, तो सी डी एस बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या हो गया देखो
एन बटा एन माइनस वन, और ये कहां पर चला जाएगा, नीचे वाला एन माइनस ऊपर एन माइनस वन, और यहां पर कितना जाएगा आर वन, क्योंकि एक पर कैंसिल हो गया ना, तो सी डैश बराबर एन वन माइनस वन कैंसिल हो गया, मतलब क्या आ जाएगा एन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन, और ये क्या है फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन क्या है, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है सी ए, इसका मतलब सी डैश बराबर क्या आ गया एन इंटू सी, और यही तो हमारे क्या करना था सिद्ध करना था कि जो आपका तुल्य दर्जा आएगी वो क्या होगी पहले वाले विद्युत गोले चालक से कितना गुना ज्यादा होगी एन गुना ज्यादा होगी, जो हमने क्या कर दिया सिद्ध कर दिया। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर बात क्या ध्यान में रखनी है, यहाँ पर आपको आर टू बट्टा आर वन करना है, ना कि आर वन बट्टा आर टू करना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, नहीं तो क्या हो सकता है फिर गलत भी हो सकता है। तो जो बाकी के जो आंके प्रश्न है वो अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हमें करेंगे, आपको उदाहरण करते जाने हैं, और थ्योरी है वो जो आपके स्थिर विद्युत की है वो अभी कंप्लीट हो चुकी, तो आपको क्या करना है स्थिर विद्युत की पूरा अध्ययन करना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो चैप्टर वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कोई कंफ्यूजन है तो वापस से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।